अस्सलामुअलैकुम, मैं फरहीन वेलकम करती हूँ अपने चैनल जायकेदार में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इडली, जो सभी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये फर्मेंटेड बैटर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप वाटर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा डालने से इडली बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनके रेडी होती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर काफ़ी थिक था तो इसीलिए हमने इसे डाइल्यूट किया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मोल्ड्स को अब ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड्स को अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है कि इडलीज बहुत ही सॉफ्ट और इजीली निकल आती हैं, डीमोल्ड होती हैं। और इसके लेवल से बैटर को भर लेंगे, फिल कर लेंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि बनके थोड़ी सी साइज़ में डबल होती हैं, तो बस हमें इसके लेवल तक ही फिल करना है। अब मैं आपको बैटर के बारे में बता देती हूँ। उस बैटर के लिए मैंने लिए थे 3 कप चावल। चावल हमें इसमें बासमती राइस नहीं यूज़ करना है, टुकड़े चावल यूज़ करना है। और जिस कप से हमने चावल लिए हैं, सेम कप से हमें 1 कप उड़द की दाल लेनी है। उसे अच्छे से वॉश करके उसे 5 to 6 आवर्स के लिए सोक कर देना है। और उसके बाद हमें उसे स्ट्रेन करके उसे ग्राइंड करना है। और अगर ज़रूरत हो तो बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करें। और आपने स्टार्ट में थिक कंसिस्टेंसी तो देखी है, हमें उसी कंसिस्टेंसी पर उसे ग्राइंड करना है। और उसके बाद हमें उसे 8 to 10 आवर्स के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। आप अगर सुबह बना रहे हो तो ओवरनाइट छोड़ दें। अब इसे इडली मेकर में डाल के स्टीम कर लेंगे 8 मिनट्स के लिए, और हमारी इडली 8 मिनट्स में रेडी है। जब तक हमारी इडली स्टीम हो रही है, हम चटनी पीस लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 whole कोकोनट, उसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसकी ब्राउन शेल भी निकाल लिया है, और 4 लहसुन की कली ली है, 4 से 5 हरी मिर्ची। इस चटनी में थोड़ी हरी मिर्ची कम होती है, ये थोड़ी वाइट साइड पे होती है, और 1 tablespoon चने की भुनी हुई दाल। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है चटनी को और टेक्सचर भी। और 10 से 12 करी लीव्स, ये बहुत ही मस्ट है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। अब थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें वाटर डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे, और लेंगे थोड़े से हरे धनिया के पत्ते। और देखिए, हमारी 8 मिनट हो चुके हैं, इडली भी बिल्कुल रेडी है। और बस हमें किसी स्पून की हेल्प से हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फॉर्म इडली बनके तैयार हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनके तैयार हुई है। आप इसे सर्व करें कोकोनट चटनी के साथ और सांभर के साथ। देखिए, मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।